नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर अक्सर आपने ये तो सुना होगा कि निवेश से पहले स्कीम डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। आज हम आपको ये समझाने वाले हैं कि क्या होता है म्यूचुअल फंड का बही खाता और कैसे आप फंड का बही खाता देखकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज बात करेंगे स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को लेकर और कैसे ये आपके लिए साबित हो सकते हैं फायदेमंद। और म्यूचुअल फंड का बही खाता समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट प्रकाश रंजन सिन्हा जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। तो प्रकाश जी से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि आखिरकार म्यूचुअल फंड का बही खाता क्या होता है और कैसे इसके जरिए फंड की पूरी कुंडली को आप समझकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर प्रकाश जी से आपके कुछ और भी सवाल हैं अपने फंड के बारे में, अपने पोर्टफोलियो के बारे में, तो वो भी आप उनसे सीधा पूछ सकते हैं ट्विटर और फेसबुक के जरिए। जहां इस वक्त हमारा ये शो लाइव है, वहां पर आपको कॉमेंट सेक्शन में अपने सवाल टाइप करने हैं। तो प्रकाश जी, सबसे पहले जरा यही बताइए कि आखिरकार जब हम म्यूचुअल फंड के बही खाते की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। देखिए, सबसे पहले जब आप निवेश करते हैं तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं जब चाहूँ मुझे पैसा मिल जाए आराम से, या मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा ग्रो करे, या मैं चाहता हूँ मैं टैक्स सेव करूँ, या मैं चाहता हूँ रेगुलर इनकम। तो आपकी कोई ना कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य को इन्वेस्ट आप कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। हर स्कीम जब भी लॉन्च होता है तो उसका एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है और ये स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इसी सोच करके बनता है कि कोई ना कोई इन्वेस्टर का वो एक उद्देश्य रहेगा। यानी पहली चीज़ है कि जब भी मैं निवेश करूँगा तो उस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ूंगा, समझूंगा और अगर वो मेरे लिए सही है तो ही मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। अलग अलग तरह की स्कीम है, सबका अपना अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है और इन्वेस्टर के हर ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ना कोई स्कीम आपके पास मौजूद है, तो आपको शुरुआत यहीं से करना है। बिल्कुल, तो इसी के साथ जो है आपको शुरुआत करनी है और काफी अहम हो जाता है इन तमाम चीजों को अच्छे से समझना, क्योंकि इन्हीं चीजों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि आखिरकार आपके फंड में आपके लिए क्या क्या है। तो ऐसे में ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में सबसे पहले प्रकाश जी बताइए। देखिए, जैसे ही कोई एमसी ने फंड लॉन्च करने का सोचा तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले उन्हें सेबी, जो हमारा रेगुलेटर है, उनसे वो ये अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो सेबी के एंड पे क्या होता है, एक जैसे कि कॉलेज का फॉर्म होता है उसी तरह से एक टेम्पलेट बना हुआ है, डिफाइंड टेम्पलेट है ऑफर डॉक्यूमेंट का। तो आपको जो भी फंड बनाना है आप उसके अंदर आपको वो फंड्स भरने हैं। आपको जैसे इक्विटी फंड है, डेट फंड है, हाइब्रिड है, आपका ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने भरनी है और ये जो ब्लैंक जो आपका टेम्पलेट है आप उसको फिल करके आप सेबी को देते हैं। सेबी उसको वेट करता है। उसके अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जिसको हम सिड कहते हैं और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको हम एसएआई कहते हैं। सिड प्लस एसएआई आपको ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कहने का मतलब साफ कि इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए और फंड जो है उसी अनुसार काम करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहां से आपको इन्वेस्टर को सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल, तो ये काफी अहम डॉक्यूमेंट हो जाता है। ऑफर डॉक्यूमेंट के जरिए आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। लेकिन जैसा कि अभी आपने जिक्र किया सिड का, जब हम सिड की बात करते हैं तो उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें हैं जो हमें देखनी चाहिए? सिड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है जो स्कीम से रिलेटेड है और पहली चीज जब आप देखते हैं तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फंड मैनेजर उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। यानी किस एसेट में करेगा, डेट में करेगा, इक्विटी में करेगा, एसेट एलोकेशन क्या होगा, कितना प्रोपोर्शन उसका डेट में होगा, कितना इक्विटी में होगा, कोई अगर सब एसेट है तो वो उसमें होगा, तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें। उसके बाद क्या है, क्या स्ट्रैटेजी एंड स्टाइल हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्ट्रैटेजी स्टाइल अपफ्रंट होते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट में और बहुत सारे स्ट्रैटेजी इन स्टाइल आपको समय के अनुसार आपको फंड मैनेजर को लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा सा अगर मान लीजिए आईटी अच्छा नहीं कर रहा है तो आप पहले से ही प्रेडिक्ट करके नहीं बैठेंगे, आप जैसे ही आपका वो हालात दिखेगा तो आप उसके हिसाब से करेंगे। तो स्ट्रैटेजी स्टाइल कुछ उसमें दिए होते हैं, कुछ आपको फंड मैनेजर एज एंड व्हेन जब होता है तो वो करता है।
इसके अलावा आपको रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि हर स्कीम के अंदर या कोई भी एसेट कोई ना कोई रिस्क है उसके अंदर। अब वो जो रिस्क होते हैं कंपनी स्पेसिफिक हो सकते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं, मार्केट से जुड़ी हो सकती है, इकोनॉमी से जुड़ी हो सकती है, तो इसका बहुत एक डिटेल में ये डिस्क्रिप्शन रहता है और ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या अपेक्षा करनी चाहिए। इसके बाद आपको आता है इन्वेस्टमेंट होराइजन सूटेबल फॉर, ये भी एक छोटा मोटा गाइडेंस दिया रहता है कि आपको किस अवधि तक आपको बिल्कुल पैसा रखना चाहिए। और एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो है कि टैक्स इम्प्लीकेशन, आप अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको टैक्स इम्प्लीकेशन है, अगर जब आप विड्रॉ करेंगे डिविडेंड लेंगे तो क्या आपका उस पर टैक्सेशन लगेगा, अगर आप जब सेल करेंगे तो क्या कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो ये सारे कुछ अहम जो विषय हैं जो आपको उसमें हर आदमी को देखना चाहिए। बिल्कुल, तो टैक्सेशन जो है वो काफी अहम पहलू हो जाता है, ये सब चीजें आपको स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में जो है वो जरूर देखनी चाहिए कि आखिरकार जिस फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं कितना टैक्स लगेगा, क्या हिसाब किताब है। इसीलिए हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हुए म्यूचुअल फंड का वही खाता है, जिससे कि आप तमाम पहलुओं को काफी अच्छे से समझ सके। खैर, इस बीच में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले प्रकाश जी उनके पास चलते हैं। संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैम, थैंक यू जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं अभी जो है चार फंड्स में निवेश कर रहा हूँ मैम। टोटल जो निवेश है मेरा 4500 रुपए पर मंथ है, जिसमें कि पहला जो फंड है एलएनटी मिड कैप है जिसमें 1500 रुपए का, और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 1000 रुपए और एक्सेस ब्लू चिप फंड में 1000 रुपए, और इसके अलावा SBI स्मॉल कैप फंड में 1000 रुपए का निवेश चल रहा है मेरा अभी। और मैं अभी शुरू किया हूँ, लगभग मार्च 2019 से शुरू किया हूँ मैंने निवेश करना। तो और मेरा जो लक्ष्य है मैम 2035 तक लगभग 40 लाख तक का मेरा टारगेट है, जिसमें मुझे अपना मकान लेना था, ये टारगेट है मेरा। तो क्या अभी जो वर्तमान निवेश है उसको चलते हुए मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा निवेश, और अगर बढ़ाना पड़ेगा तो कितना बढ़ाना चाहिए, और इसके अलावा मैं 2000 रुपए का और आगे निवेश बढ़ा सकता हूँ जी? और इसके अलावा भी आपने कुछ और टारगेट सेट किए हुए हैं केवल घर के लिए या रिटायरमेंट बच्चों के लिए कुछ और टारगेट्स भी हैं आपके? इसके अलावा बच्चों के लिए भी है मैम, एक्चुअली मतलब 40 से 50 लाख तक का अमाउंट तो मैं सोच रहा हूँ। और घर का जो ये आपने टारगेट सेट किया, क्या आपने इसमें इन्फ्लेशन वैल्यू जोड़ा हुआ है या आप ये हालिया वैल्यू लेकर चल रहे हैं? नहीं अभी जोड़ा नहीं हुआ, मैं एक मोटा मोटी हिसाब लगा रहा मैंने। ठीक है। तो प्रकाश जी जैसा कि संदीप जी ने बताया, फिलहाल जो है 4500 रुपए की SIP कर रहे हैं, 2000 रुपए अभी हाल में बढ़ा सकते हैं, टारगेट्स इनके बड़े हैं। घर के लिए इन्होंने इन्फ्लेशन वैल्यू को अभी ऐड भी नहीं किया हुआ, 35 लाख रुपए इन्हें 2035 वगैरह 31 तक चाहिए होंगे। तो क्या सलाह देंगे, हालिया निवेश से इनके टारगेट्स पूरे हो जाएंगे? देखिए अभी अगर मैं थोड़ा सा अगर 15% का भी एक एनुअलाइज CAGR अज्यूम करूं अगले 15 साल के लिए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी इन्वेस्ट करने की। 4500 ही कर रहे हैं और 2000 ही और करना चाह रहे हैं, तो यानी 6500 हो जाएगा मेरे अनुसार। ये लगभग 7500 के आसपास का इनका होगा अगर इन्वेस्टमेंट, तो ये अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। तो मेरा एक इनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप थोड़ा सा अगर पैसा और निवेश कर सकते हैं तो आप कीजिए, अगर आप नहीं कर पा सकते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको होम लोन मिल जाएगा अपने उसके लिए, तो आप होम लोन ले लीजिए। और उसमें क्या होगा, जब आप लोन लेंगे तो आपको उसमें टैक्सेशन का भी एडवांटेज मिलेगा, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं, या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, या फिर थोड़ा सा 1-8 साल आप अवधि अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, और नहीं तो इसी बीच आपको होम लोन अगर मिल जाता है उसी अमाउंट का, अगर थोड़ा सा आपको शॉर्टफॉल भी होता है तो फिर उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो होम लोन अगर आपको मिल जाता है तो वो आपके लिए बेहतर भी रहेगा, और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि संदीप जी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। निवेश आपको जरूर यहाँ पर बढ़ाना होगा, क्योंकि बिना निवेश बढ़ाए जो है आपके लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। खैर एक और सवाल भी ले लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है, सतपाल शर्मा का। ये बताते हैं कि इनकी उम्र जो है 24 साल है और म्यूचुअल फंड्स में 3000 रुपए की एक SIP जो है वो शुरू करना चाहते हैं। अच्छी बात है कि 24 साल की उम्र में इन्होंने समझ लिया है कि इनके लिए निवेश करना सही भी रहेगा। 15 साल का इनका निवेश का नजरिया है,
तो ये जानना चाहते हैं कि निवेश के लिए कौन सा फंड इनके लिए चुनना बेहतर रहेगा, कहाँ इन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो बिल्कुल एक नए निवेशक हैं, ऐसे में प्रकाश जी आप इन्हें क्या सलाह देंगे, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, मैंने शुरू में प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए और रिटर्न तो हर चीज़ के लिए तो होता ही है रिटर्न, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है। तो अभी जैसे कि इनके सवाल से पता नहीं लग रहा कि उद्देश्य क्या है, बट इन्होंने इनको ये पैसा 15 साल बाद चाहिए, या तो इन्होंने एक समय अवधि बना रखी है या कोई उद्देश्य है, वो क्लियर नहीं है। तो मेरा इनको एक सलाह होगा, पहली चीज कि आप अगर कोई उद्देश्य नहीं है और सिर्फ आप एक वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं तो फिर 15 साल क्यों, 20 साल 25 साल आप जब तक कर सकते हैं तो कीजिए। और बहुत अच्छा है कि इन्होंने बहुत कम उम्र में 24 साल की उम्र से ये निवेश करने का सोचा है, और चूंकि इनका अवधि लंबा है तो इस लंबी अवधि को देखते हुए और चूंकि हमारी इकोनॉमी लंबे अवधि में देखा गया है कि अच्छा करती है, मार्केट भी अच्छा की है, तो आपका जो एसेट होना चाहिए वो ऑफ कोर्स इक्विटी होना चाहिए। तो आप इक्विटी से स्टार्ट कीजिए, कुछ अच्छे फंड्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मल्टी कैप से आप स्टार्ट कीजिए, उसके अंदर मैं नाम भी बता सकता हूँ आपको, SBI मल्टी कैप बहुत अच्छा फंड है, कोटक का मल्टी कैप बहुत अच्छा फंड है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई लक्ष्य है और लक्ष्य मान लीजिए अगर 15 साल के अवधि पे है, तो जब आप लक्ष्य के करीब जाएं तो हमेशा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि उस वक्त का इकोनॉमिक और मार्केट हालात क्या है। और अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रहा है या इकोनॉमी थोड़ी सी अच्छी नहीं करिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में होता रहेगा हमेशा, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पे आपको ये सुझाव होगा कि जब आप साल दो साल अब बच जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप उसको स्विच कर लीजिए या STP रूट से उसको डेट फंड में, और वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको कि शॉर्ट टर्म डेट फंड में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, एक साल से ज्यादा वाले डेट फंड में नहीं इन्वेस्ट कीजिएगा। बिल्कुल, तो ये तमाम नए निवेशकों के लिए आपने बहुत अच्छी चीज जो है वो बताई है कि अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही उनका लक्ष्य जो है पास आने वाला होता है तो बेहतर रहता है कि धीरे धीरे जो है इक्विटी से निकल जाए, क्योंकि मार्केट के हालात कब कैसे बदल जाए ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। खैर, अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी तमाम बारीकियां बिल्कुल आसान भाषा में बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आज की कड़ी में प्रकाश जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार एक वर्ड होता है बेंचमार्क, हम काफी इस्तेमाल भी करते हैं अपने शो में, बेंचमार्क क्या होता है? देखिए, एक म्यूचुअल फंड में एक लाइन है जो कि सारे लोग पढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस चीज का एक गलत इंटरप्रिटेशन ले आते हैं और उनको डर लगने लगता है। तो पहली चीज तो उनको एक बार समझ में आनी चाहिए कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पैसे से फंड मैनेजर कोई ना कोई सिक्योरिटी खरीदता है और वो जो सिक्योरिटी है वो बाजार में ट्रेड होती है। तो जब हम ये मार्केट रिस्क बोलते हैं तो इसका मतलब दो चीज़ों में आप देखूंगा, मैं एक तो देखूंगा कि कौन सी इंडस्ट्री है और दूसरा मैं बाजार देख रहा हूँ यानी स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ। तो अब जैसे मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूँ तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, IT है, फार्मा है, बैंकिंग है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखिए तो सारी इंडस्ट्रीज अच्छी कर रही हैं। और अगर मैं स्टॉक मार्केट को भी देखूँ तो वो भी मैं देखूंगा कि लॉन्ग टर्म में अच्छा कर रहा है बट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहता है। अब बेंचमार्क क्या है? सेबी ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि आप कोई भी स्कीम जब लॉन्च करेंगे, और चूंकि म्यूचुअल फंड में आप रिटर्न अश्योर नहीं करते हैं, यानी आगे मुझे क्या रिटर्न मिलेगा क्या नहीं रिटर्न मिलेगा ये किसी को नहीं पता है, बट अगर मैं रिस्क लूँ तो किस आधार पर रिस्क लूँ, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, सेबी ने मैंडेटरी कर रखा है कि हर स्कीम के अगेंस्ट में आपको एक बेंचमार्क जरूर बताना है। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर मनी हैज बीन इन्वेस्टेड, यानी वो बाजार जहां पे आपका पैसा लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं IT फंड में पैसा लगाता हूं तो मेरा बेंचमार्क क्या होगा? IT इंडेक्स होगा। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत सारे बेंचमार्क बना रखे हैं इक्विटी में, उसी तरह से ICICI सिक्योरिटीज और क्रिसिल ने डेट में बना रखे हैं। तो आपके बेंचमार्क ऑलरेडी हैं और फंड को एक कोई ना कोई एक बेंचमार्क लेना है, वो बेंचमार्क लेना है जो फंड के ऑब्जेक्टिव एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी स्टाइल से मिलती जुलती हो। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि आज मैं जब बेंचमार्क की बात करता हूं तो बहुत सिंपल, मेरा पैसा किस मार्केट में और किस बाजार में लग रहा है, और एज अ निवेशक मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा पैसा अच्छा ग्रो करे। अब मैं कैसे देखूंगा इस चीज को? निश्चित तौर पर आज से मैं पिछला बेंचमार्क का रिटर्न क्या रहा है मैं वो देखूंगा। अब जब मुझे दिख जाएगा कि शॉर्ट टर्म में कभी ऊपर है कभी नीचे है तो यानी खतरा है, और 5 साल 7 साल 10 साल मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ वहां मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि नहीं यार पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। अब निश्चित तौर पे मैं अगर आगे भविष्य की ओर देखूँ तो मुझे वही अंदाजा मिलेगा। सो बेंचमार्क एक तरह से आपको
आने वाले समय में रिस्क का आगाह करता है और बताता है आपको किस तरह के मार्केट में आपका पैसा लगेगा। शो में आप बने रहिए क्योंकि प्रकाश रंजन सिन्हा जी से शो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि उनकी आज की टिप क्या है जिसके जरिए आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। आपके सवालों को भी कुछ शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रकाश जी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड के बही खाते की। बही खाते में काफी जरूरी ये भी हो जाता है देखना कि हम लोग जो है असेट एलोकेशन किस तरह से करते हैं, तो असेट एलोकेशन का कितना लिंकेज रहता है इसके साथ? बहुत ज़्यादा लिंकेज रहता है, क्योंकि देखिए आपके पास एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है, और जैसे प्राइमरीली आप अगर एसेट को आप देखेंगे तो दो हिसाब से आप देखेंगे, एक होता है इनकम जनरेटिंग एसेट और एक होता है आपका ग्रोथ एसेट, जहाँ पे जो एसेट है उसकी दाम बढ़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, फ्लैट लेता हूँ, तो आज मैं अगर उसको रेंट पे लगाता हूँ तो वो मेरे लिए इनकम है, लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर्टी की दाम भी बढ़ती है, यानी ग्रोथ भी हो रही है। बट म्यूचुअल फंड के अंदर हम देखें तो दो ही एसेट ज़्यादा डोमिनेट करता है, एक है डेट और एक है इक्विटी। अब डेट और इक्विटी के अंदर में क्या है, इक्विटी में आपका एक रेगुलर इनकम आता है और जो कैपिटल अप्रिसिएशन या जो उसकी प्राइस जो घटती बढ़ती है वो उतनी नहीं होती है, लेकिन इक्विटी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी आपको इनकम मिलेगा जो डिविडेंड के रूप में है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा वैल्यूएशन का ज़्यादा होता है इम्पैक्ट। तो और इक्विटी क्या होता है, चूंकि बिजनेस से जुड़ा होता है, और इक्विटी में जब मैं शेयर होल्डर बनता हूँ तो मैं उसका एक मालिक बनता हूँ, ओनर बनता हूँ, सो दैट्स वाई इक्विटी में मैं ग्रोथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ। अब एसेट एलोकेशन जब मुझे भी जब भी करना होगा तो मैं देखूंगा मेरा कितना पैसा डेट में हो और कितना पैसा इक्विटी में हो। एक चीज देखा गया है कि किसी भी समय में शॉर्ट टर्म में आपको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कितना पैसा आपका जो है इक्विटी में है, कितना डेट में है। खैर, ब्रेक से पहले मैंने आपसे ये तो बखूबी समझ लिया था कि स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जब हम देखते हैं तो उनमें किन किन चीजों को देखना चाहिए। एक काफी अहम पहलू और भी रह जाता है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि साई। जब ये चीजें हमारे सामने आती है तो इसमें हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक आम निवेशक जो है वो शायद ये सारी चीजों को इतनी अच्छे तरह से समझ नहीं पाता, ये सारी टर्म्स उसके लिए काफी नहीं होती है, तो कौन कौन सी चीजें हम देखा करें इन चीजों में? देखिए, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको वो इन्फॉर्मेशन होती है जो फंड हाउस से रिलेटेड है। अब आपके पैसे को कोई फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है तो उस फंड मैनेजर की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उस फंड मैनेजर की कितने साल की एक्सपीरियंस है, और वो फंड मैनेजर जो भी अलग अलग फंड मैनेज कर रहा है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, और जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस भी उसमें है आपको दी हुई है, तो ये बड़ा एक डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। दूसरी चीज, फंड हाउस से कौन कौन से लोग एंटिटीज जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रार कौन है, ट्रस्टीज कौन है, ये सारे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन रहती है। आपको यहाँ तक भी इन्फॉर्मेशन रहता है कि अगर किसी ने कोई केस कर दिया है या कोई मामला लिटिगेशन में है तो उसकी भी डिटेल आपको उसमें देना जरूरी है। अगर कोर्ट ने कोई आपके एडवर्स अगर आपके अगेंस्ट में जजमेंट पास किया है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। यानी इन सारे जो आपके सिड और एसआई में जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, और ये आपको एक तरह से इन्वेस्टर को के लिए एक बहुत ही विश्वास का ये एक मैसेज देते हैं कि आप अगर उसके अंदर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ों का एक आपको पता चल जाएगा, यानी कि पारदर्शिता जो है इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से बनी रहती है। और म्यूचुअल फंड का पूरा वही खाता जो है आपको सिम का किम साई इन तमाम चीज़ों के जरिए अच्छे से पता लग जाता है। लेकिन फैक्टशीट क्या होती है, फैक्टशीट के जरिए कैसे हम पूरे फंड की कुंडली जान सकते हैं? देखिए, हर महीने के अंत में आखिरी दिन में फंड हाउसेस फैक्टशीट निकालते हैं। हालांकि फैक्टशीट निकालना मैंडेटरी नहीं है, बट ये कस्टमरी हो गया कि अब सारे लोग निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी में भी मिलते हैं, हार्ड कॉपी भी मिलते हैं। आप उसके वेबसाइट पे आप जाएंगे किसी भी फंड हाउस के तो आपको वो फैक्टशीट आपको मिल जाएंगे। फैक्टशीट में क्या होता है, आपको वहाँ पे फंड मैनेजर्स के व्यू होंगे, सीआईओ के व्यू होंगे, सीओ के व्यूज होंगे, मार्केट और इकोनॉमिक व्यू होंगे, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगी। उसके अलावा क्या होता है, हर फंड के लिए एक पेज डेडिकेटेड होता है और उस पर्टिकुलर डेट पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी दी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 30 नवंबर को अगर फैक्टशीट का मैं लूँगा तो पिछले अगर इक्विटी फंड की हम बात करें तो एक साल, तीन साल, पाँच साल, दस साल, सिंस इंसेप्शन क्या परफॉर्मेंस है वो दिया जाएगा, बेंचमार्क ने उसी वक्त में क्या दिया है वो दिया जाएगा, अगर आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तीन साल से ज़्यादा समय में तो वो कितना रिटर्न दे रहा है। अगर आप डेट फंड की बात करेंगे तो उसी तरह से शॉर्ट टर्म अवधि की सारी दी रहेगी। इसके अलावा चूंकि हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक एवरेज और मीन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे मैंने अगर 5 साल का अगर लिया तो एक एवरेज देख रहा हूँ, बट मैं ये भी देखूंगा कि ये वोलाटाइल कितना रहा है, तो
तो स्टैंडर्ड डिविजन दिया रहता है जो कि आपको बताता है कि एवरेज रिटर्न से फंड कितना वोलेटाइल है। फिर एक और टर्म है बीटा है, यानी जो कि बताएगा कि मार्केट के मुकाबले में फंड कितना वोलेटाइल है। काफी अहम होती है एक फंड के मामले में, डिविडेंड हिस्ट्री हो गई, एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया, अल्फा बीटा हो गया, शार्प रेशियो हो गया, तमाम चीजें जो हमें केवल फैक्टशीट के जरिए ही पता लग सकती है, इसलिए फैक्टशीट जो है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। खैर, शो के अंत में प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे वो टिप ऑफ द डे जो आप हमारे तमाम दर्शकों को देना चाहेंगे जिसके जरिए वो अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैं आज के हालात को देखते हुए बोलूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम बहुत सारे बातें सुन रहे हैं, स्लो डाउन, जीडीपी, ये सारे बहुत सारे सुनते हैं बातें, और इनका असर होता है। जैसे हम अभी देख भी रहे हैं कि बाजार कुछ दिनों से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, और उसमें क्या होता है कि जो आम जो इक्विटी का निवेशक है वो कभी कभी घबरा जाता है और लोग अपने इन्वेस्टर थोड़ी सी रोक देते हैं। तो पहला तो मेरा कहने का मतलब ये है, और एक मैं जो टिप बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि डर के आगे जीत है। यानी अगर आप डर गए तो आप फिर हार जाओगे, तो बहुत जरूरी है आपको डरना नहीं है। लंबे अवधि तक आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप देखोगे जब भी अगर नेगेटिव सिनेरियो हुआ है उसके बाद आप 5 साल 10 साल का अगर आप अवधि लेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिटर्न आया है इक्विटी के अंदर। तो मेरा यही टिप ऑफ द डे होगा कि डरना नहीं है और डर के आगे जीत है, सब्र का फल मीठा होता है, तो आप बस पेशेंस रखिए। बिल्कुल, डरना नहीं है आपको, मैदान में जो है वो डटे रहना है, और जब आप निवेश करते हैं तो ये किसी जंग के मैदान जैसा ही लगता है। इसलिए प्रकाश जी कह भी रहे हैं कि सब्र का फल जो होता है मीठा होता है, थोड़ा सा आप इंतजार करिए और बेहतर रिटर्न के तौर पर आपको जरूर मीठा फल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को म्यूचुअल फंड का बही खाता बिल्कुल आसान भाषा में बहुत अच्छे से समझाने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।